की भेंट करते हैं। Oh!
इस ब्रह्मा की खेला देखने आए हैं। ये बाणासुर मैं धनुष से तोड़कर सीता को अपनी पटरानी बनाऊंगा। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताएं। केशव आजाद। अभी आप जो है भव्य रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, किस किसका रोल आप कर रहे हैं? परशुराम का। कैसे देखते हैं, कैसा उत्साह मिलता है आपको जब आप उस वेशभूषा में जाते हैं परशुराम जी की, तो कैसा महसूस करते हैं आप? जी, एक अलग तरीके का जोश आ जाता है अपने अंदर, इंसान के अंदर, और सीधा भगवान राम से हमारा संवाद है, तो एक मर्यादा के साथ उनको संवाद करने का एक मजा ही अलग है। आजाद जी, काफ़ी दशकों से जो है रामलीला का आयोजन किया जा रहा है प्रेम मंदिर के अंदर, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज जमाना हाईटेक हो गया है और हाईटेक तरीके से जो है आपने रामलीला का आयोजन रखा है, क्योंकि समय के साथ आप भी अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि आज़ाद परिवार चाहे रामलीला हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे रक्षाबंधन हो, हमेशा प्रेम मंदिर में हाईटेक तरीके से ही पूरी रामलीला करी हुई है। और पर्दा सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, सभी भक्तों के लिए, लोगों के लिए पूरी सुविधा, कुर्सियों की, वैसे सब पूरा इंतजाम करा हुआ है। मैं सीमा आजाद। सीमा जी, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, आजाद परिवार 25 श्री राम लीला कमेटी में आयोजन कर रहा है, इस तरीके से हाईटेक
देखिए रामलीला हमारा एक बहुत ही पौराणिक ग्रंथ है, इसे हमें बहुत प्यार से बड़े संभाल के ही रामलीला का मंचन करना होता है। इसमें हम सारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उसके बाद आज के युवाओं को भी हम जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, क्योंकि आजकल सब इंस्टा फेसबुक बच्चे सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हमने सब कुछ हाईटेक किया है ताकि वो लोग भी आए, उनको अच्छा लगे, वो सीखें। अपनी रामायण से आगे की जनरेशन को बहुत सीखने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने सारी परंपराओं को ध्यान रखते हुए हमारे जो ये बैठे हुए पंडित जी बैठे हुए हैं, पुजारी जी सारे संस्कृत में ये पूरे दोहे बोलते हैं, उसके बावजूद हमने सब कुछ हाईटेक किया हुआ है, हाईटेक तरीके से, ताकि नया पुराना सब मिक्स करके पूरी रामलीला को हमने हाईटेक रूप दे दिया। मैडम आजाद परिवार जो है काफ़ी दशकों से समाज की सेवा में लगा हुआ है, किस तरीके से पहचान के मोहताज नहीं है कि अब चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या अगर चुनाव में आप खड़े होते हैं तो समाज की सेवा करने आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए समाज के लिए तो हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी सब समाज की ही सेवा करते आए हैं और हम लोग भी उनके नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं। तो जैसे हमें मन तो यही है कि अगर हमें एक मौका मिलता है तो हम पूरे समाज को साथ लेकर चलेंगे और जितना उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम करा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं हम। शिक्षा को लेकर आप बड़े काम कर रहे हैं, चाहे गरीब बच्चों की शादी की बात करें तो उसमें भी आप तत्पर रहते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं के एजुकेशन बच्चों की शिक्षा? देखिए एजुकेशन से ही हमारा देश आगे चल सकता है, तो हम एक ही बात समझ में आती है, बच्चों को एजुकेटेड करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, तो शिक्षा को सबसे पहले मैं लेकर देगा तभी देश आगे तरक्की। घर घर में शिक्षा होनी चाहिए, हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए, मेरी सबसे बड़ी यही एक प्राथमिकता रहेगी कि हर बच्चा हर घर में शिक्षित हो। कौन सा दिन है और क्या सीन है? आज रामलीला में राम जी का विवाह होगा, राम जी का धनुष तोड़ा जाएगा और बहुत प्यारी लीला है आज। आपका नाम क्या है? तो क्या संदेश देना है वो? हम तो सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि रामलीला एक बहुत ही प्यारा हमारा ग्रंथ है, आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप सब लोग आइए श्री प्रेम मंदिर में और रामलीला का आनंद लीजिए। हर तरह से हमने प्रयास किया है, हर सुविधा देने की कोशिश की है, बस राम जी के सभी मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे राम जी हैं, उनसे सब सब शिक्षा ले, उनकी तरह हम भी जीवन जीना सीखें।